नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई हिट एंड रन लॉ जो सरकार ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी और वो कुछ वजहों से नहीं कर पाए थे, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा उस लॉ के पॉजिटिव चीजें भी थी और नेगेटिव भी थी, और इन चीजों को मैंने वीडियो बनाकर बताया भी था। इसके अलावा आए दिन आपके सामने आ रहे अलग अलग तरह के एक्सीडेंट्स या रोड रेजेस को भी देखकर समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो सरकार ने लॉ में जो भी चेंजेस किए थे वो हम सभी की भलाई के लिए थे। मैं मानता हूँ कुछ गलतियां थी इसमें, जिसे सुधार कर या फिर पूरे तैयारी के साथ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था, थोड़ी जल्दबाजी हो गई थी। लेकिन ये लॉ आने वाले टाइम में जरूरी क्यों है वो भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। लोग सड़क पर गाड़ी चलाते समय किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। उनको लगता है गाड़ी के मीटर पर 200 स्पीड है तो इसे 150 तो भगाना ही चाहिए, या फिर हमारे पास गाड़ी है तो हम रोड पर कैसे भी चल सकते हैं, और यही सब सोच लेकर वो ना जाने कितनों की जान को खतरे में डाल देते हैं। और आज भी ऐसा ही कुछ सामने आया है, जिसे राजस्थान से मिस्टर अशोक मीणा ने शेयर किया है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली मारुति सुजुकी स्विफ्ट और एक बाइक के बीच राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट के हिंडौली में हुआ है, जिसका डैश कैम फुटेज भी है। यहाँ पर हुआ क्या कि अशोक अपने टाटा टिगोर से बूंदी रोड से होते हुए जा रहे थे, तभी होता क्या है रामी की जपुड़िया और सतूर चौराहे के बीच उनके जस्ट आगे चल रहे HF डीलक्स बाइक को ऑपोजिट साइड से आ रही स्विफ्ट हिट कर देती है। यहाँ पर वीडियो में आप साफ देख सकते हैं टक्कर मारने के बाद स्विफ्ट सीधा काफी तेजी में जा रही है और इसके बम्पर वगैरह भी टूटे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ बाइक और उस पर बैठा आदमी सड़क पर ही पड़े हुए हैं। अब ये गाड़ी को थोड़ा सा और बाइक के पास में लेकर जाते हैं, तभी इनको पता चलता है कि यहाँ पर काफी भयानक एक्सीडेंट हो गया है और आसपास के लोग भी भागते हुए इस बाइक वाले के पास आते हैं। इनफैक्ट सामने की तरफ से एक लेडी अशोक से बोलती भी है कि जाकर उस गाड़ी वाले को पकड़ो। अब यहाँ पर भाई ज्यादा कुछ समझ पाते नहीं है और जल्दी से अपनी गाड़ी घुमाते हैं और स्विफ्ट वाले का पीछा करने लगते हैं। स्विफ्ट का पीछा करते समय आपको वीडियो में सड़क पर एक निशान दिख रहा होगा जो बिल्कुल गाड़ी के साथ ही जा रहा है। इसे देखकर पहले तो ऐसा लगा कि गाड़ी का रेडिएटर वगैरह डैमेज हो गया होगा और इसका कूलेंट लीक कर रहा है, लेकिन भाई अशोक ने बताया कि बाइक पर दो लोग बैठे हुए थे, एक तो बाइक के साथ ही सड़क पर गिर गए और दूसरे जो थे वो गाड़ी के नीचे फंसे हुए थे। और स्विफ्ट के ड्राइवर को ये चीज बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी रोकी नहीं और बाइक वाले को घसीटते हुए अपने साथ लेकर चला गया। और भाई थोड़ी बहुत दूर नहीं बल्कि काफी दूर तक स्विफ्ट वाले ने ऐसा किया है। हालांकि कुछ दूर आगे जाने के बाद बाइक के राइडर या फिर जो पिलियन है वो स्विफ्ट से अलग हो गए थे और रोड पर ही पड़े थे और इनको बहुत ही ज्यादा चोटें आ गई थी। हालांकि उस दिन तो इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल इनकी डेथ हो गई। और भाई काफी ज्यादा भयानक इंजरीज आई थी इनको। मेरे पास तो तुरंत की वीडियो भी है जिसमें भाई एकदम से तड़प रहे हैं, हालांकि मैं उसे यहाँ पर शो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी देखकर भाई काफी ज्यादा बुरा लगा कि ऐसे ऐसे लोग सड़क पर चलते हैं जो खुद थोड़ा सा बचने के चक्कर में दूसरों को रौंदते हुए चले जाते हैं। जबकि बात करें दूसरे पैसेंजर की तो उनको भी काफी ज्यादा चोटें आई थी, वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उम्मीद करते हैं वो सेफ हो। तो भाई यहाँ पर काफी ज्यादा भयानक एक्सीडेंट हुआ है और अशोक ने स्विफ्ट वाले को दूर तक रोकने की कोशिश भी की है। आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं ये अपने गाड़ी को स्विफ्ट के आगे लहरा रहे हैं और उसको ओवरटेक नहीं करने दे रहे हैं, और एक जगह पर इन्होंने सोच भी लिया था कि अपने कुछ जानने वालों को इकट्ठा करके स्विफ्ट वालों को रोकेंगे, क्योंकि भाई ऐसे गाड़ी से अकेले बाहर आना सेफ नहीं था। इसने दो लोगों को पीछे उड़ा ही दिया है, आगे भी एक को उड़ा देता, कोई बड़ी बात नहीं थी इसके लिए। तो इसीलिए अशोक ने सोचा कि इसको आगे एक चौराहे पर रोकेंगे, लेकिन हुआ क्या कि हाईवे के बीच में ही एक जगह से स्विफ्ट के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतारी और वहीं से भागकर वो फोर लेन पर चला गया, इसीलिए उसे स्पॉट पर तुरंत नहीं पकड़ा जा सका। बताया जा रहा है कि स्विफ्ट में दो लेडीज और एक जेंट्स थे, हालांकि गाड़ी लेडी चला रही थी या फिर आदमी चला रहा था वो क्लियर नहीं है। हालांकि कुछ जगह देखा गया है कि गाड़ी को लेडी ही ड्राइव कर रही थी। खैर जो भी हो, अशोक ने उसी रात पुलिस को इन्फॉर्म किया। करीब आधे घंटे वेटिंग के बाद पुलिस का कॉल लगा और इन्होंने सारी डिटेल्स पुलिस को दी, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद पुलिस से रजिस्ट्रेशन नंबर उस दिन मिस हो गया, इसीलिए वो गाड़ी को पकड़ नहीं पा रहे थे। हालांकि पुलिस वालों ने स्विफ्ट को पकड़ने के लिए दूसरे दिन कुछ CCTV कैमरा वगैरह चेक किया, लेकिन इसका नंबर कहीं क्लियर नहीं आया, इसीलिए स्विफ्ट का ड्राइवर अभी तक पकड़ा नहीं गया। आज अशोक ने बताया है कि उन्होंने फिर से पुलिस को कॉल करके सारी डिटेल्स दी हैं, गाड़ी का नंबर भी, तो अब चांसेस हैं कि ये स्विफ्ट वाला जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इसने जो हरकत की है वो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है।
इनफैक्ट आप देखिए भाई, इंसानियत लोगों के अंदर बची ही नहीं है। स्विफ्ट वाला अगर चाहता तो एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही गाड़ी को रोककर एम्बुलेंस और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता तो वहां पर बाइक वाले की जान बच जाती, लेकिन इन भाई ने पूरी तरह से बचने के चक्कर में ऐसी हरकत की जिससे बाइक वाले की जान चली गई। और यह हरकत बहुत ही ज्यादा घिनौनी थी। कितनी ज्यादा दूर तक इसने बाइक वाले को घसीटा है आप सोच भी नहीं सकते। बाइक वाले जो थे भाई, वो काफी ज्यादा गरीब फैमिली से थे। जिसने ये एक्सीडेंट मुझे भेजा है यानी अशोक, वो खुद आज उस फैमिली से मिलकर आए हैं और बात वगैरह कर आए हैं। उनके फैमिली वाले काफी ज्यादा परेशान थे। तो भाई यही सब होता है जब लोग लापरवाही करके दूसरों की फैमिली को खत्म कर देते हैं। आप सभी ऐसी गलती कभी मत करिए। आपसे कभी रोड पर एक्सीडेंट होता है, चाहे वो आपकी गलती से हो या फिर सामने वालों की गलती से हो, तो उस जगह पहले आपको रुकना है, जिसको चोटें आई हैं उनकी हेल्प करनी है, फिर स्पॉट से जाना है। ऐसे भाई जिंदा आदमी को मारते हुए नहीं जाना है। ये वाकई में बहुत ज्यादा बुरा था। बस राजस्थान पुलिस और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस स्विफ्ट के ड्राइवर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और साथ ही में बाइक वालों के फैमिली की भी हेल्प की जाए। बाकी भाई आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है कमेंट में बताइए।